पिता पुत्र और पारिवारिक रिश्तों के ताने बाने को दर्शाती शॉर्ट मूवी साइकिल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11 अवार्ड जीते हैं। फिल्म की इस उपलब्धि के लिए इसके निर्माता अभिषेक जोशी को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड के नेशनल जूरी मेंबर दिलीप पटेल ने उदयपुर पहुंचकर अभिषेक जोशी को अवार्ड दिया। इस मौके पर फिल्म साइकिल का पोस्टर विमोचन भी किया गया। निर्माता अभिषेक जोशी ने बताया कि यह फिल्म परिवार के आंतरिक रिश्तों को दर्शाती है। इसमें क्राइम पेट्रोल फेम गुलशन पांडे के साथ उदयपुर के कलाकारों ने अभिनय किया है। फिल्म में दिखाया गया है कि आर्थिक तंगी से गुजरने के बावजूद भी एक मध्यम वर्गीय परिवार किस तरह अपने पुत्र और पिता की ख्वाहिशों को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि ये अवार्ड सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे उदयपुर के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध गायक मामे खान के बाद अभिषेक ही दूसरे अवार्ड विजेता हैं। इस मौके पर लेक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान फिल्म निदेशक गौरव प्रभाकर माली ने बताया कि यह फिल्म जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म के साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर दिखाई देगी। फिल्म में गुलशन पांडे के बेटे का रोल अदा कर रहे मुकुल जैन ने बताया कि आज से पहले उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन साइकिल फिल्म उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट साबित हुई है। थिएटर कलाकार होने के नाते जब फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल रहे हैं तो उन्हें गर्व महसूस होता है। वहीं इस फिल्म में गुलशन पांडे की बहू का रोल अदा कर रही प्रिया मिश्रा ने बताया कि उदयपुर जैसे छोटे शहर में भी सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्म बनने के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत हासिल करती है तो पूरे शहर को उन पर नाज होता है। उन्होंने कहा कि अभिनय के क्षेत्र में साइकिल मूवी में काम करना उनके जीवन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि इस फिल्म में क्राइम पेट्रोल फेम गुलशन पांडे एक बुजुर्ग पिता के रोल में दिखाई देंगे। शहर के कलाकारों में मुकुल जैन और प्रिया मिश्रा उनके बेटे और बहू का रोल अदा कर रहे हैं, तो वहीं रमेश नागदा एक साइकिल स्टोर पर चाचा के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में दो नन्हे कलाकार काव्या हरकावत और हीरेन जोटवानी ने भी अभिनय किया है। यह स्टोरी हिमांशु भट्ट द्वारा लिखी गई है, जिसमें म्यूजिक सोनी टीवी के एक्स फैक्टर फेम शाहनवाज खान ने दिया है। ये जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, तो ऐसी अप्रिसिएशन के लिए आई है, इंटरनेशनल अवार्ड है ये। अभी हाल ही में जैसे उदयपुर में मामे खान को दिया गया था, उसके बाद सेकेंड नंबर राजस्थान में अभिषेक जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है। एज ए मैं नेशनल जूरी दिलीप पटेल सिरोही आज खुद अभिषेक जी को ये अवार्ड देने के लिए आया हुआ हूँ, और इनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं कि इस तरीके की जो शॉर्ट फिल्म बनाई है, तो हमारे अंदर जो टाइटल इनका दर्ज हुआ है बेस्ट शॉर्ट फिल्म ऑफ द ईयर, इनको ये टाइटल दिया गया है। और मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ और मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए हैं, बट ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मूवी साइकिल। ये एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है जिसके साथ में हम सभी रिलेट होते हैं, क्योंकि हर घर में बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, पति पत्नी भी होते हैं। तो इस पूरी कहानी के अंदर जो है एक बेटे की जो भूमिका है वो किस तरह से पूरे परिवार को लेकर चलता है, किस तरह से उनकी जिम्मेदारियों को निभाता है, वो आपको दिखाया जाएगा। और ये एक ऐसी मूवी बनी है जो आप अपने परिवार के साथ में बैठकर देख सकते हैं, और उसके साथ में आपको अच्छा मैसेज मिलेगा जो हमारी इस जनरेशन को शायद बहुत अच्छे मैसेज मिलेंगे कि हम किस तरह से अपने फैमिली को साथ लेकर चलें। कि जैसे आज के बच्चे जो होते हैं कि वो सिर्फ अपना सेल्फिश सोचते हैं, तो ये पारिवारिक मूवी है और आई होप ये आप सबको पसंद आएगी। और मेरी पूरी टीम ने इसको एक बहुत ही अच्छा सा क्रिएट करके और बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म मतलब इसको आपको दिया है आपके साथ। और हमारी शॉर्ट फिल्म है साइकिल, जो हम लोगों ने लास्ट ईयर जनवरी में शूट करी थी, उसमें क्राइम पेट्रोल फेम गुलशन पांडे जी ने काम किया है। उसके अलावा जितने भी आर्टिस्ट हैं उदयपुर के, उन सबने काम किया है इस फिल्म में। हमने इस फिल्म को 14 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भेजा था, जिसमें से 12 फिल्म फेस्टिवल्स में सेलेक्ट हुई है, और 9 फिल्म फेस्टिवल्स में इसको 11 अवार्ड्स मिले, जो सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हैं। और अभी अभिषेक जी को, जो फिल्म के प्रोड्यूसर है, उन्हें इंटरनेशनल एक्सीलेंट अवार्ड मिला है, जो एक गिनीज वर्ल्ड और लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ कार्यरत है पूरे वर्ल्ड में। तो अभी फिल्म रिलीज़ के लिए तैयार है। हम लोग काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स और YouTube चैनल्स पे हम लोग इस फिल्म को रिलीज़ करने का ट्राई कर रहे हैं, तो शायद 15 या 1 महीने के अंदर ये फिल्म वहाँ पर रिलीज़ हो जाएगी। तो क्योंकि ये फिल्म उदयपुर की है, उदयपुर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उदयपुर के आर्टिस्ट के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी रही है फिल्म, तो हम चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोग मीडिया ने हम लोगों की हेल्प करी है, जिस तरह से हमेशा इस फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, तो रिलीज़ में भी हम लोगों को हेल्प करें, फिल्म के प्रमोशन में हेल्प करें। थैंक यू सो मच।